नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गुड वर्क आर्यन में। मैं बात कर रहा हूँ आर्यन सुथार यूट्यूब चैनल से। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किचन में क्रॉकरी बॉक्स के ऊपर माल्या कैसे बनाते हैं, बिना क्रॉकरी बॉक्स बनाए ऊपर का माल्या कैसे बनाते हैं, वो वीडियो में आप में पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंटर सेंटर कोई तो है चीज वर्ती है जी। आपका माल्या का बैच तैयार हो चुका है। ये फ्रेम ऐसे बना देनी है आपको, और फिर ये ऐसे फ्रेम बना के फिर यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी। आपको नीचे कोई भी कबाट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से विंडो के ऊपर से फिटिंग हो जाएगा। अभी मैं फिटिंग करके भी बताने वाला हूँ किस प्रकार से फिटिंग होगी। ये पीछे की जो पट्टी लगाई हुई है इसमें स्क्रू से फिटिंग हो जाएगा। ये पट्टी को क्या करना है, ऊपर से किले नहीं मारनी है, इसको पीछे से मारना है किला, तो क्या ये पटिया झुकेगा नहीं उसके लिए। अभी ये फ्रेम तैयार हो चुकी है, देख लीजिए आप।
ये फ्रेम तैयार हो चुकी है। फिटिंग करते हैं वहाँ पे किचन के ऊपर। कोई क्रॉकरी बॉक्स नहीं बनाया, डायरेक्ट मालिया की फ्रेम है। यहाँ पे फिटिंग हो जाए, ये विंडो के ऊपर ऊपर फिटिंग होगी, विंडो के ऊपर ऊपर फिटिंग होगी। आपको क्या करना है, पीछे का जो पट्टी आ रही है ना उसके लेवल से यहाँ पे भी ये एक सपोर्ट मार देना है ऐसा, ताकि क्या यह दीवार में फिटिंग हो जाएगा स्क्रू से। यहाँ से आपको स्क्रू लगा देना है सामने से, उसको फेंक को लगा के फिटिंग कर दीजिए। डेल अभी इस प्रकार से फ्रेम फिट हो गई है, फ्रेम बना दिया है। यहाँ से आप स्क्रू लगा सकते हो, दो स्क्रू इसमें लगा देना है, बाकी आपके जो आपके हिसाब से स्क्रू लगाना है वो लगा सकते हो, चार पांच जितने भी, और एक स्क्रू वो दीवार पे लग जाएगा, और एक दो स्क्रू इसमें लगा देना है, और ये आपका फ्रेम तैयार हो गया। नीचे कोई कबाट क्रॉकरी बॉक्स नहीं है, डायरेक्ट आपको अभ्रई मालिया बनाना है। तो ये कैसे बनाया है देखा ही आपने पूरा वीडियो में, अभी इसको हम फिटिंग करके भी बताने वाले हैं किस प्रकार से इसको फिटिंग करना है। अब इसको फिटिंग कर देना है आपको, होल गिरा दिए हमने, अभी इसको फिटिंग करेंगे। इसको फिटिंग कर दिया है, फिटिंग कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको फिटिंग कर देना है,
हाँ तो दोस्तों इस प्रकार आप फ्रेम बना सकते हो। देख लीजिए नीचे कोई कबाट नहीं है, नीचे पूरा प्ले का पीस लिया हुआ है, साइड में से भी पूरा प्ले का पीस लिया है, फिर बाकी का 4-4 इंच के पट्टे लेके फ्रेम बना दिया। हाँ तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय राम जी की जय भारत।